सुजानगढ़ के तेरापन सभा भवन में आज देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मास्टर भवनलाल मेघवाल सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद रहे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आए कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सभा में चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी उपाध्यक्ष मास्टर भवनलाल मेघवाल सहित अनेक वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार को जनहितों के खिलाफ बताया। सभी वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जमकर वोट देने और दिलाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस का राज आने से ही जनता के अच्छे दिन वापस लौट सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने जनता के अच्छे दिनों को छीन लिया है। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस सम्मेलन के दौरान और वक्ताओं ने क्या कहा। बहुत ही कीमती चीज है, इसे सरकार बनती है, सरकार पास होती है, क्योंकि इस बीजेपी सरकार का आपने देखा है कि 5 साल में इन्होंने क्या विकास किया है और किस प्रकार से अपने को अरेस्टमेंट किया है। इस बार इस विधानसभा के एक भी युवा उनमें नहीं बसेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय राजस्थान के वरिष्ठ प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा एक ही निवेदन है कि अपने ग्राम पंचायत पे पूरा ध्यान दे लेंगे तो राष्ट्रपति बहुत वोटों से जीतेंगे। अभी बहुत दौरा हो गया है, उनका घर नहीं चल रहा है, उनकी हालात बहुत गंभीर है। बैंकों से डेली कूड़े आती है, बिजली वाले डेली उनके विषया बढ़े हैं, हालात बहुत बुरी है। राजस्थान के अंदर अगर 200 सीट में अगर कांग्रेस सारे खत्म नहीं करे तो वसुंधरा जी भी आग निकलना पड़े वहां से, और मास्टर की जीत को कोई रोकने वाला नहीं। अगर अपन नहीं करे तो खेत में कई लोग यहाँ पे जिनका झूठा संसा दे रहा है। आपको काम बढ़े, मास्टर जी नहीं जीते ना आपको काम बहुत बढ़े। 5 साल लाल किया रोड़ता झूठा पहाड़ता किया और भी हो गया कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, उस जिम्मेदारी आप बड़े ही बड़े भूमिका निभाएं और विधानसभा चुनाव की तैयारी में रखें। विधानसभा है और आप पूछने से मैं फोटो जीता है, मैं वही कहना चाहूँ। धन्यवाद साथियों, प्रधानमंत्री विधानसभा क्षेत्र के हम सभी कार्यकर्ता इस बात के निमित्त में कि हम कांग्रेस की जीत की हड्डी है, जहां मत की बात यही है। हाँ, ये सच है कि राजस्थान में 101% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके बारे में बचपन से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। इनका एक अलग तरीका जीवन है, एक अलग तरह से काम का पता लगेगा, अदरवाइज सर्वदाई में शो भाषण दे दो ये बड़ा, इसलिए पैसा डाल लो और एक एक वोट का आप अपने वोटों को कलेक्ट कर लो, लिस्ट बना लो, कहीं बार हो वोट नहीं बचने चाहिए। इस बात का अपने को मुख्य ध्यान रखना है और जिनका 19-20 माइंड है उनको बदलने में आप रात दिन लगोगे और हम लोगों की मदद भी होगा। हम लोग तैयार हैं, आपके हर गांव में आएंगे और आपकी हर बात सुनेंगे। और मैं नेताओं को भी मैं अवेयर कर देना चाहता हूँ, चुनाव में हम जी जान लगा के चुनाव हम जीता नहीं, ये अपनी क्षमता है, लेकिन 5 साल जब राज होगा तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ, यहाँ बेटा खड़ा हो गए, अब मैं रिटायर हो गया हूँ,
एक भी कार्यकर्ता को मैं मायूस नहीं होने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। एक भी कार्यकर्ता का कोई काम होगा अपने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और कहीं पर भी आपको किसी बात के लिए नीचा नहीं झुकना पड़ेगा, मायूस नहीं होने दूंगा। बाकी सारे नेता Yeah.